अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आज पीजी बोर्ड के एंट्रेंस का सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड पे ऐसा कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बॉटनी के स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स एंड अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ सर पीजी एंट्रेंस का सिलेबस शेयर कीजिए। एक्चुअली मैं अभी बॉटनी का सिलेबस शेयर करता हूँ। बॉटनी का सिलेबस जो है एंट्रेंस के लिए 15 यूनिट्स पर बेस्ड है और हर एक यूनिट की वेटेज 4 मार्क्स की है। पहला यूनिट जो है वो वायरस के रिगार्डिंग है, उनकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन जो भी है, लिटिक लाइसोजेनिक साइकिल वो जो है। फिर यूनिट नंबर 2 है फंजे, इनके करेक्टर्स, इनके क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपने वो पढ़ने होंगे, राइजोपस हैं, एगेरिकस हैं, बहुत सारा और कुछ है। सिलेबस आपके सामने आप देख सकते हैं। तो देन चैप्टर नंबर 3 है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ये रिगार्डिंग एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रायोफाइट्स, सॉरी यूनिट नंबर 4 ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग। यूनिट नंबर 5 टेरिडियोफाइट्स। यूनिट नंबर 6 प्लांट टैक्सोनॉमी, बैंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उनके करेक्टर्स, फेनोग्राम्स, क्लेडोग्राम्स, इनकी डेफिनेशन। फिर यूनिट नंबर 7 है हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन, इनके रूल एक्सेट्रा। फिर है यूनिट नंबर 8 मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, इस रिगार्डिंग टिश्यूज और प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज जो है उसके रिगार्डिंग। देन यूनिट नंबर 9 है फ्लावर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज ऑफ फ्लावर, इसका डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, पेरिनोलॉजी है, इसके रिगार्डिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बायोलॉजी एक्सेट्रा। देन यूनिट नंबर 10 है रिगार्डिंग प्लांट वाटर रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसमें आप प्लांट वाटर रिलेशन, फोटो सिंथेसिस, C3 C4, फोटो सिस्टम, ये सारा कुछ पढ़िए, आप पढ़िएगा। आप चाहते हैं कि अभी आप जो है पीजी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो देन यूनिट नंबर 11 रेस्पिरेशन है, इसमें वो सिमिलर है, आप एनारोबिक नैरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोस साइकिल। फिर एंडोक्राइनोलॉजी भी इसमें है, हॉर्मोन्स हैं, सॉरी एंडोक्राइनोलॉजी हॉर्मोन सिस्टम है प्लांट्स में। देन यूनिट नंबर 12 जेनेटिक्स के रिगार्डिंग, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। यूनिट नंबर 13 सेल बायोलॉजी है, सेल थ्योरी, तो सेल बायोलॉजी इसमें सारी आपको पढ़नी है। फिर यूनिट नंबर 14 जो है इकोलॉजी के रिगार्डिंग है, आप इकोलॉजी की बुक लाइए, शर्मा की लाइए, पीटर स्टीलिंग की लाइए जो कि आपके पास है। यूनिट 15 जो है यह रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स, उनके डोमेस्टिकेशन और डिफरेंट जो कैश क्रॉप्स है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, होप कि दिस वीडियो विल बी ऑफ हेल्प टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। लेकिन खाली सिलेबस रखने से कुछ नहीं होगा, आपने पढ़ना होगा, मेहनत ज़रूर करनी है। प्लांट जहाँ तक बॉटनी का जो सिलेबस है, मैं जो आपको हेल्प कर सकता हूँ वो मैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और रेस्पिरेशन, वो प्लांट वाटर रिलेशंस और स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है और इकोलॉजी, ये यूनिट्स में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बाकी जो प्योर बॉटनी है उसमें मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, वायरस के रिगार्डिंग में हेल्प कर सकता हूँ। तो जहाँ आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर आप चैनल, अगर आपका वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पहली बार देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।